गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू ई क्लासेस। 16 चैप्टर भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य का संबंध, पार्ट टू की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने दो पैराग्राफ किए थे, राइट? थर्ड पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ। प्रारंभ शुरुआत में महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट स्थान इज्जत नहीं मिली थी, पर जब उन्होंने अमेरिकन नाम कमा लिया, आपको पता है 18वीं-19वीं सदी में एक बार संतों का सम्मेलन, धार्मिक सम्मेलन के रखा गया था, ठीक है, अमेरिका के शिकागो में। वहां पर हर देश से कोई ना कोई ऐसा संत आया था अपने धर्म के बारे में प्रवचन देने, कह सकते हैं। तो हमारे देश से कौन गए थे? स्वामी विवेकानंद जी गए थे। पहले शुरुआत में तो घबरा गए कि हमारी जो संस्कृति है वो अनोखी है इन लोगों से, और उनकी जो वेशभूषा थी वो वही गेरुए वस्त्र पहन के गए थे, है ना। बाकी सब लोग अलग वेशभूषा में आए थे, कॉस्ट्यूम में आए थे, ये हमारे संतों की परंपरा के अकॉर्डिंग गेरुए वस्त्र पहन के गए थे। और उन्होंने अपनी संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की बहुत तारीफ की, अच्छे प्रवचन दिए, तो सारे के सारे अमेरिकन जो हैं वो उन पर आकर्षित हो गए। बहुत ही ध्यान से उनका प्रवचन सुना गया था। तो स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए, उससे पहले भी तो वैसे के ज्ञानी ही थे, है ना, ज्ञानी वैसे के वैसे ही थे, लेकिन जब तक अमेरिकन नाम कमा नहीं लिया। और फिर हुआ यूं कि अखबारों में, मैगजीन में विवेकानंद जी के फोटो छपे, बहुत तारीफ हुई उनकी, और भारतीयों को, इंडियंस को पता पड़ा कि हमारे देश का एक गुरु, एक संत जो है, युवा संत, युवा मतलब जवान संत गया है, पर हमारी संस्कृति कितनी अच्छी बातें उसने बताई हैं कि अमेरिका वालों को उसने क्या कर दिया, आकर्षित कर दिया अपनी तरफ, और खूब उसकी मैगजीन में, न्यूज़पेपर में उसकी तारीफ की गई है। तो जैसे ही वो आ रहे थे, लौट रहे थे, तो रिटर्न में लौटते समय सब उनका वेट कर रहे थे, राह देख रहे थे, और माला लेकर दौड़े उनका स्वागत करने। अब पहले भी तो वैसे के वैसे ही थे, लेकिन जब अमेरिकन नाम कमा लिया कि अमेरिका में भाषण देने गए हैं, प्रवचन देने गए, तब उनको सब बहुत ही सम्मान देने लगे। रविंद्रनाथ ठाकुर को भी नोबेल पुरस्कार मिला। रविंद्रनाथ टैगोर बंगाली कवि हो चुके हैं हमारे, गीतांजलि नाम की बहुत ही उन्होंने अच्छी पुस्तक लिखी है। तो ब्रिटिशों ने देखा, अच्छा ये इंग्लिश में भी लिखते थे, ठीक है, केवल अपनी बंगाली भाषा में नहीं। तो ब्रिटिशों ने देखा कि यह व्यक्ति जो है बहुत ही इंग्लिश में भी अच्छी कविताएं लिखता है, तो उसे चूज किया गया, उसका सिलेक्शन हो गया, और उनको नोबेल पुरस्कार मिला था ब्रिटिशों की ओर से, ठीक है, क्योंकि तब के समय में उन्हीं का शासन था। तो बंगाली लोग दौड़े यह राग अलापते हुए, राग मतलब गीत अलापते हुए, अमादेर ठाकुर, अमादेर मतलब हमारे ठाकुर, अमादेर कठोर सपूत, सपूत मतलब अच्छा बेटा, कठोर मतलब सख्त, दक्षिण भारत में, हाँ इसका इंडायरेक्ट मीनिंग हम फिर से देख लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, पहले उनको उतना हमारे समाज में स्थान प्राप्त नहीं था, यहाँ अपने ही राज्य में, कहें बंगाल में, उनको कोई सम्मान देता नहीं था, लेकिन जैसे ही ब्रिटिशों की ओर से नोबेल पुरस्कार मिला तो सब लोग उनको सम्मान देने के लिए दौड़ पड़े। दक्षिण भारत मतलब साउथ इंडिया में कुछ समय पहले तक भरतनाट्यम, ये हमारे नाटक, हमारे नृत्य हो चुके हैं, ठीक है, अभी भी हैं, वहाँ पे बहुत फेमस है भरतनाट्यम, कथकली को नहीं पूछता था, पर जब उसे विदेशों में मान मिलने लगा, आपको पता है अलग अलग इंटरनेशनल लेवल पे डांस कंपटीशन रखी जाती है, आजकल हम आप टीवी चैनल्स पे भी ये सब बहुत देखते रहते हैं, है ना, तो कुछ लोग यहाँ से भरतनाट्यम और कथकली को प्रस्तुत करने विदेश में गए, तो वहाँ पे इतना उसे मान मिलने लगा, तब जाके लोगों को आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे कि अरे हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीजें भी पड़ी थी क्या, अपूर्व जो पहले कभी हुआ ना हो। हमारे भारतीयों को ये अजीब लग रहा था कि क्या हमारे देश में इतनी अच्छी चीजें भरी पड़ी थी। जब दूसरे विदेशी लोग उन्हें सम्मान देने लगे, तब इनको पता पड़ा कि हाँ हमें भी इस नृत्य को सम्मान देना चाहिए। यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती नजर नहीं आती, मगर पराये के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं। पराये के सौंदर्य मतलब दूसरे देशों के सौंदर्य को,
मोहित हो जाते हैं, मतलब आकर्षित हो जाते हैं। सौंदर्य मतलब सुंदरता, हमें अपनी सुंदरता नजर नहीं आती कि हमारे देश में कितने अच्छे अच्छे घूमने के प्लेसेस हैं। लेकिन आज कोई कहे वेकेशन कंप्लीट हो ना, समर वेकेशन खत्म हो और आप मिलते हैं स्कूल में, और कोई बच्चा कह रहे मैं तो दुबई घूम के आया या तो मैं तो लंदन में घूम के आया, तो सारे के सारे क्लासमेट आकर्षित हो जाते हैं, अरे ये तो लंदन घूम के आया है, विदेश घूमने गया था। और यदि कोई कहे कि मैं माउंट आबू घूम के आया, तो उसको उतना रिस्पेक्ट मिलेगा नहीं, न लोग आकर्षित होते हैं। मतलब हमारे देश में भी अच्छे अच्छे प्लेस हैं देखने के, लेकिन कोई विदेश में घूम के आता है तो उसे बड़ा सम्मान दिया जाता है, बहुत बड़ी बात मानी जाती है। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मूलर ने जीवन भर प्रार्थना की, जीवन भर पूरा जीवन वह प्रार्थना करता रहा कि मुझे यहाँ पर क्या प्राप्त करनी है, शिक्षा, उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग जाने जैसा अनुभव करते हैं। मैक्स मूलर ज्ञान पाने के लिए, उसे ऐसे था कि मैं जो हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट हैं या विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटियाँ थी, नालंदा तक्षशिला करके दो हमारी यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे सारी की सारी गुरु कला सिखाते थे। आपको पता होगा तीरंदाज, तीर बाण चलाना, ठीक है, बाण कमान चलाना, ये सबसे पहले हमारे देश के गुरुओं ने शिष्यों को सिखाया था, और फिर धीरे धीरे दूसरे देशों में इसका प्रचार हुआ था। तलवारबाजी, घुड़सवारी, ये घुड़सवारी करना, तीरंदाजी करना, तलवारबाजी करना, अनेक प्रकार की कलाएं थी, संगीत के जो स्वर हैं सारे के सारे, ये सबसे पहले हमारे ही देश में शुरुआत हुई थी, है ना। तो एक मैक्स मूलर नाम का व्यक्ति था, वह जीवन भर तरसता रहा कि मुझे काश कि भारत की किसी यूनिवर्सिटी में क्या मिल जाए, एडमिशन मिल जाए, और मैं यहाँ सारी की सारी कलाएं गुरुओं से सीख सकूं। लेकिन उसे यहाँ पर एडमिशन मिली नहीं। और इसी देश के लोग आज जर्मनी और विलायत मतलब विदेश में, फॉरेन कंट्री में जाना लगता है कि हम स्वर्ग में बैठे हैं। ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य का संबंध की महिमा सुनाना, महिमा मतलब उनकी तारीफ करना, उन पर गर्व महसूस करना, गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास ही हो सकता है। जिसे अपने देश की संस्कृति के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, अपनी शिक्षा के प्रति, उन विश्वविद्यालय के प्रति, यूनिवर्सिटी के प्रति कोई सम्मान की भावना नहीं है, न उन्हें अपने देश की खूबसूरती दिखाई देती है, तो ऐसे लोगों को ये लोग किसको खाली इम्पोर्टेंस देते हैं, विदेश के संस्कृति को इम्पोर्टेंस देते हैं या यूनिवर्सिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ऐसों को हम ये दिखाएं या ये सिखाएं कि प्राचीन समय में गुरु शिष्य का संबंध कैसा होता था। तो ये व्यर्थ प्रयास है, व्यर्थ मतलब मीनिंगलेस। जैसे गधे को आप गणित सिखाओगे कि 1+1=2 होता है, तो क्या वो जवाब देगा, ना। उसी प्रकार ऐसे मूर्ख व्यक्तियों को समझाना व्यर्थ प्रयास है। एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए थे। पहलवान जो शक्तिशाली हो, पहलवान सुप्रसिद्ध फेमस भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए थे। उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया, चैलेंज चुनौती दी। अखबारों में यह समाचार प्रकाशित होते ही एक पारसी पत्रकार, पारसी हमारे देश में एक धर्म का नाम है ना, ईसाई पारसी, समाचार प्रकाशित मतलब पब्लिश होते ही उन्होंने ये पब्लिश कर दिया कि क्या कोई मेरे साथ खेल सकता है या मुझे हरा सकता है कुश्ती में। उत्सुकतावश, उत्सुकता मतलब एक्साइटेड होकर, उनके निकट पहुंचकर उनसे पूछा, साहब विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं, तो आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़के विजय प्राप्त करके दिखाइए। कहा, आपने न्यूज़पेपर में ये डाला है कि कोई भी विश्व का पहलवान आए और मेरे से बल्लेबाज भी उसे का, बल्लेबाज नहीं, वो क्रिकेट में होता है, सॉरी, पहलवान जो कुश्ती लड़ते हैं, ठीक, विजय प्राप्त करके दिखाइए। आप चाहते हैं कि कोई भी विश्व का पहलवान आए या कुश्तीबाज आए और फिर वो आपको इसमें कुश्तीबाज में कुश्ती में हरा कर दिखाए, तो आप अपने शिष्यों से ही लड़के दिखाइए ना और विजय प्राप्त करके दिखाइए। गामा आजकल के शिक्षा क्रम में रंगे नहीं थे, आजकल के मतलब व्यावसायिक प्रोफेशनल संस्कृति में रंगे नहीं थे, मतलब उन्हें ये सब पसंद नहीं था, जो ब्रिटिशों की संस्कृति थी कि पैसा लूं और फिर शिक्षा दूं, उसमें ये रंगे नहीं थे ना, उन्हें आदत थी, इसलिए उन्हें इन शब्दों ने हैरान कर दिया कि ये पारसी पत्रकार मुझे क्या कह रहा है कि मैं अपने शिष्यों से लड़ूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताकते ही रह गए। ताकते रह गए मतलब देखते ही रह गए आश्चर्यचकित होकर। ये मुहावरा है ताकते ही रह जाना। बाद में धीरे से कहा, भाई साहब मैं हिंदुस्तानी हूँ, हमारा अपना एक निजी रहन सहन है। रहन सहन मतलब हमारा रीत रिवाज है अपना। शायद से आप परिचित नहीं है, आपको पता नहीं है कि हमारे देश में गुरु शिष्य का संबंध कैसा होता है। जिस लड़के के लिए आप बोल रहे हैं वह मेरे पसीने की कमाई मेरा खून है। अर्थात कोई आप कह रहे हैं कि मैं अपने एक अमुक शिष्य से लड़के उसको पराजित करूं, तो ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने, जिस लड़के ने, जिस शिष्य ने इतनी योग्यता हासिल की है वो मेरे खून पसीने की कमाई है। अर्थात उसे मैंने ही सिखाया है और मैं उससे कॉम्पिटिशन करूँ ये मुझे शोभा नहीं देता। वह मुझे बेटे से भी अधिक प्यारा है, इसमें और मुझ में कोई फर्क है ही नहीं। मैं लड़ा या वो लड़ा दोनों बराबर ही रहेगा। हमारी इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा कीजिए। चेष्टा मतलब कोशिश कीजिए, क्योंकि जो मेरा शिष्य है वो मेरा ही एक अभिन्न अंग है, मैं उससे अलग नहीं हूं, न वो मुझसे अलग है, तो मैं अपने आप के साथ कैसे लड़ सकता हूं। हम लोगों को वंश परंपरा से अधिक शिष्य परंपरा प्रिय है। वंश परंपरा मतलब खानदान की परंपरा से भी अधिक कौन प्रिय है? अपनी शिष्य परंपरा। कि ये गुरु का अपने शिष्य के प्रति क्या कर्तव्य है, वह अपने शिष्य के साथ कोई कॉम्पिटिशन नहीं कर सकता। ख्याति, ख्याति का मीनिंग होता है प्रसिद्धि। प्रसिद्धि मतलब फेमस हो जाना। और प्रभाव, प्रभाव मतलब किसी को इम्प्रेस करना। हम सदा यह चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों से कम प्रभावी रहें। मान लीजिए कोई शिष्य है, कोई गुरु है, उसने कंप्यूटर का नॉलेज दिया या किसी भी सब्जेक्ट का ज्ञान दिया, तो एक सच्चा गुरु ये चाहता है कि जितना मैंने नाम कमाया है समाज में उससे कई गुना ज्यादा मेरा शिष्य कमाए। यानी हम यही चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया उससे कहीं अधिक मेरा पुत्र कमाए। यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, प्रिंट में पिता लिखा हुआ है, वहां पे आप लिखेंगे पुत्र कमाए। मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं है, किसी और देश से आए हैं, इसीलिए इस प्रकार की क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि मैं अपने शिष्य के साथ कॉम्पिटिशन करूँ, ये तो संभव ही नहीं है। ठीक है, आज पार्ट टू में हमने दो पैराग्राफ किए, बाकी जो तीन चार पैराग्राफ हैं वो हम पार्ट थ्री में करेंगे। ओके, थैंक यू।